हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो आइए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 3 जून के बारे में। तो 3 जून की जो भी करंट अफेयर्स के मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटे के चिन्ह को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए आज की पहला पॉइंट देखते हैं कि आज का पहला करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखो, आज का जो पहला पॉइंट है वो है कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 से 7 जून तक किस देश के दौर पर जाने वाली है। कि जो विदेश मंत्री है कौन है, सुषमा स्वराज है, तो ये 3 से 7 जून तक एक देश के दौरे पर जाने वाली है। तो वो कौन सा देश है जिसके दौरे पे ये विदेश मंत्री जाने वाली है। तो देखो, ये जाएगी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे। किस पे? दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे जाएगी और जाएगी 3 से 7 जून तक। अब यहाँ बात करते थे यहाँ क्यों जाएगी। देखो, यहाँ इसलिए जाएगी क्योंकि 4 जून को ये ब्रिक्स में जो विदेश मंत्री, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है तो उसमें ये भाग लेंगी। अब यहाँ बात हुई है ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स में 5 देश सम्मिलित है, 5 देश आते हैं ब्रिक्स के अंदर। जैसे कि मतलब इंडिया हुआ, रशिया हुआ और ये दक्षिण अफ्रीका, ये भी ब्रिक्स के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ मेन बात हुई है दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात हुई है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका है वो 2010 से ब्रिक्स के अंदर आता है। इससे पहले 2010 से पहले ब्रिक्स में नहीं था, तो 2010 में ही ब्रिक्स में जुड़ा है। अब यहाँ दक्षिण अफ्रीका की बात हुई तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, मुद्रा है अफ्रीकन रांड जो है इसकी मुद्रा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ बात की है किस राज्य के द्वारा गोपबंधु बंधु संबंधी का स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। क्या कहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, कि किस राज्य के द्वारा गोपबंधु बंधु संबंधी का स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो ये राज्य है उड़ीसा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात हुई है उड़ीसा की, तो देखो उड़ीसा की राजधानी है वो कौन सी है, भुवनेश्वर है। यहाँ के उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक, और जो यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं 29 मई को। और देखो चिल्का, मतलब कि चिल्का झील हो गई, कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, ये जो फेमस है जो कहाँ पे है, ये उड़ीसा के अंदर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि हाल ही में चार मीनार को गोद में लिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में चार मीनार को जो गोद लिया है तो ये किसने लिया है। तो जो चार मीनार को गोद लिया है वो लिया है एनटीपीसी ने। किसने? एनटीपीसी ने गोद लिया है चार मीनार को। अब देखो बात करते हैं कि जो स्वच्छ आइकॉन पैलेस होता है ना, उनके द्वारा इनको गोद लिया जाता है। तो अब देखो, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, लाल किला को भी किसी ने गोद ले लिया था। तो लाल किला को किसने गोद लिया, डेमलिया समूह ने लाल किला को गोद ले लिया था। अब यहाँ बात हुई है चार मीनार की बात हुई है, तो देखो चार मीनार का देख लेते हैं कि इसकी नींव कभी रखी गई थी। तो चार मीनार है, इसकी नींव रखी गई थी 1591 के अंदर। कब? 1591 के अंदर रखी गई थी। और किसने रखी थी, देखो ये रखी थी मोहम्मद, ये कुतुब कुली साहिब ने रखी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट यहाँ बात हुई है फिक्की के बारे में बात हुई है। किसे फिक्की का स्मार्ट पॉलिसिंग अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है असम पुलिस को, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो फिक्की के बारे में अपन ने कल की जो करंट अफेयर थी उसमें भी बात की थी, लेकिन फिर भी वापस से फिक्की का क्वेश्चन आ गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद कर लीजिएगा कि जो फिक्की का स्मार्ट पॉलिसिंग अवार्ड है 2018 वो असम पुलिस को चुना गया है उसके लिए, और साथ ही इसके अलावा पंजाब और गोवा पुलिस है उनको भी इसके लिए चुना गया है। और देखो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये जो विजय गोयल जी है उनके द्वारा ये दिया गया था। जो विजय गोयल जी वो कौन है, वो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री है ये। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट यहाँ बात की गई कि हाल ही में जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2018 में भारत के कौन से एकमात्र विश्वविद्यालय को टॉप 10 में जगह बनाई है। तो क्या क्वेश्चन बना कि भाई जो हाल ही में जो जारी हुई है वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2018 उसमें भारत का एकमात्र विद्यालय कौन सा है जिसने टॉप 100 के अंदर जगह बनाई है, तो वो विद्यालय आईआईएस, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब इसकी आईआईएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, तो ये IIS अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात हुई है कि हाल ही में मेनका गांधी भारत की पहली उन्नति DNA फोरेंसिक लैब की आधारशिला कहाँ पे रखी है। तो अभी 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 क्या हुआ है हाल ही में कि मेनका गांधी ने उन्नति DNA फोरेंसिक लैब की आधारशिला रखी है। तो यही पूछा है कि जो ये DNA फोरेंसिक लैब है इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है। तो ये रखी गई है चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे रखी गई है? चंडीगढ़ के अंदर रखी है। अब देखो चंडीगढ़ के अंदर तो ये आधारशिला रख दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे कहाँ रखी जाएगी? नेक्स्ट रखी जाएगी मुंबई, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, भोपाल हो गया, पुणे हो गया और गुवाहाटी हो गया, इनमें आगे और ये लैब्स खुलेंगी। अब देखिए बात करते हैं मेनका गांधी की। तो मेनका गांधी कौन है? मेनका गांधी है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है। अब देखो जो ये लैब रखी है, ये DNA फोरेंसिक लैब जो रखी है, तो इसका क्या था, जो इसका निर्भय निधि से इसके अंदर जो लागत लगी है इसको बनाने में, वो लगी है 99.76 करोड़, यानी 99.76 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अब ये निर्भय निधि का नाम आया, तो ये निर्भय निधि क्या है? निर्भय निधि है ये, देखो निर्भया केस है उसी के दौरान ये निर्भय निधि बनी थी। अब देखो यहाँ बात हुई है कि जो लैब बनी है उस लैब का नाम क्या है, तो उस लैब का नाम है सखी सुरक्षा। क्या है? सखी सुरक्षा। तो जो ये सखी सुरक्षा लैब है ना, इसमें क्या किया जाएगा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध हुए है ना उनकी इसमें जांच की जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बात हुई है कि निम्न में से कौन सा लैटिन अमेरिका देश नाटो में शामिल होने वाला देश बन गया है। क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा लैटिन अमेरिका देश नाटो में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है? तो ये देश है कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया है ये नाटो में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। अब यहाँ बात हुई है नाटो की, तो देखो नाटो की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट बात की गई है, नेक्स्ट यहाँ दिया गया कि किस टीम ने वर्ष 2018 का थॉमस कप बैडमिंटन जीता। तो जो ये 2018 का थॉमस कप बैडमिंटन खिताब है ये कौन सी टीम ने जीता, ये अपन को बताना है। तो ये जो जीता है, ये जीता है चीन ने। तो जो चीन है इसने वर्ष 2018 का थॉमस कप बैडमिंटन खिताब का जीत लिया है। किसने जीता है? चीन ने जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है जिसके तहत GST मतलब CGST और IGST टैक्स है इनको माफ कर दिए जाएंगे। तो वो कौन सी योजना है जिसके द्वारा ये CGST और IGST टैक्स है इनको माफ कर दिए जाएंगे? तो ये योजना है सेवा भोजन योजना। कौन सी? सेवा भोजन योजना। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो योजना है ना सेवा भोजन योजना, तो ये योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए लॉन्च की गई है। कौन सी योजना? सेवा भोजन योजना। अब देखो इसमें जो कुल लागत लगी है वो कितने रुपए की लगी है? वो लगी है 325 करोड़ रुपए की लागत इसके अंदर लगी है। अब यहाँ बात हुई है GST की, तो देखो GST है उसको लागू कब किया गया था भारत के अंदर? GST मतलब ये वस्तु सेवा कर, तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। और जिस कमिटी ने इसका सुझाव दिया उस कमिटी का नाम क्या है? उस कमिटी का नाम है विजय केलकर कमिटी। अब देखो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है GST? तो GST आता है 279A आर्टिकल के अंदर, यानी 279 किसके 279 ए आर्टिकल के अंदर GST आता है। अब ये देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो सदस्यों की कुल संख्या है वो कितनी है, तो वो है 33। और ये भारत में जो GST है वो किस देश? तो भारत के अंदर कनाडा है। कनाडा के आधार पर GST लिया गया है। किस देश के मॉडल के आधार पर? कनाडा के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ये बात हुई है कि ICC ODI में किन चार टीमों को शामिल किया गया है। तो देखिए ये जो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, नेपाल, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, संयुक्त अमर अमीरात और या फिर सभी। तो देखो ये जो सभी की सभी
देश है ये सभी कंट्रीज है, इनको इन चार टीमों में शामिल किया गया है। किस किस को? नेपाल, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और संयुक्त अरब एमिरात, इन सबको आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शामिल किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे इंग्लैंड है, और भारत की बात करें तो भारत में भारत सेकंड पोजीशन पे है। अब देखो जो अगले साल आईसीसी क्रिकेट विश्व कप होंगे वो कौन करेगा? वो उनकी मेजबानी करेगा, इंग्लैंड करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ बात हुई है कि मोदी जी 3 राष्ट्र यात्रा पर हैं, तो जिसके दौरान भारत और सिंगापुर के बीच में कितने प्रमुख समझौतों पर आदान प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 8 समझौतों पर। अब देखो कुछ ही दिनों पहले की न्यूज में यह आया था कि 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन जो ऑफिशियली निकल के आए हैं वो कितने निकल के आए? 8। तो 8 समझौते अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बात हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 राष्ट्रीय यात्रा के दौरान जो टोमिको है इनको पुरस्कार दिया है, तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो ये टोमिको है इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म श्री से। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ बात हुई है कि किस देश में ग्लोबल विंड स्मार्ट का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो जो ये ग्लोबल विंड स्मार्ट है इसका पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा जर्मनी के अंदर। तो क्या ए हमारा आंसर हो जाएगा? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमें यह दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने सोशल मीडिया को उपयोगकर्ताओं के टैक्स पर आरोपित करने की घोषणा की है? क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सोशल मीडियाओं को उपयोगकर्ताओं के टैक्स पर आरोपित करने की घोषणा की है? तो ये किया है युगांडा ने। क्या किया है युगांडा ने? कि जो सोशल मीडिया के जो उपयोगकर्ता है उनके टैक्स पर आरोपित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात ये कि डक्कन क्यून है, तो डक्कन क्यून ने 1 जून 2018 को अपनी सेवा का 88वां वर्षगांठ मनाया गया है। तो ये जो डक्कन क्यून है उसने किन दो स्टेशनों के बीच में ये आरंभ किया गया है? क्या किया है फिर से देखते हैं, डक्कन क्यून ने 1 जून 2018 को अपनी सेवा का 88वां वर्षगांठ मनाया गया है, तो जो ये डक्कन क्यून है उसने किन दो स्टेशनों के बीच में ये आरंभ किया है? तो ये किया गया है मुंबई एवं पुणे के बीच में। किस किस के बीच में? मुंबई एवं पुणे के बीच में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो टोटल आज हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो देखिए 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी के चिन्ह को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक लिंक और टेलीग्राम लिंक जो है दिया हुआ है, जहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।